नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना मित्र देवल कंप्यूटेशन क्लासेस से बाबू दान सारा। दोस्तों, मैं आज आपको बताने जा रहा हूं, अगर आप एसएससी या बैंक की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप एसएससी या बैंक की तैयारी कर रहे हैं से पहले आप ये जरूर जान लें कि एसएससी और बैंक के अंदर जो इंग्लिश पूछी जाती है, उस इंग्लिश को कवर करने के लिए हमें इंग्लिश में क्या क्या पढ़ना पड़ेगा। दोस्तों, सर्वप्रथम हमें इंग्लिश में बेसिक इंट्रोडक्शन of parts of speech, हमें इस parts of speech का basic introduction हमारे पास होना चाहिए। उसके बाद दोस्तों, आठ के आठ parts of speech, noun, pronoun, एडजेक्टिव, पांच नंबर एडवर्ब, छह नंबर प्रेपोजिशन, सात नंबर कंजंक्शन, आठ नंबर इंटरजेक्शन। ये आठ के आठ पार्ट्स ऑफ स्पीच, इनका हमें नॉलेज होना चाहिए। उसके बाद बात करता हूं मैं दोस्तों कॉमन वर्ब्स की। वर्ब से रिलेटेड टॉपिक है, वो है हमारे टेंस, दस नंबर सीक्वेंस ऑफ टेंस, ग्यारह नंबर कंडीशनल सेंटेंसेस, बारह नंबर वॉइस, तेरह नंबर नरेशन, चौदह नंबर टैग क्वेश्चंस, पंद्रह नंबर सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, सोलह नंबर डिटरमाइनर्स, इसी का ही आंसर है। आर्टिकल सत्रह नंबर मॉडल्स, ये सभी के सभी हमारे वर्ब से रिलेटेड टॉपिक है। डिटरमिनर्स और आर्टिकल्स का वर्ब से कम लिंक है, बाकी सभी का लिंक हमारे वर्ब टॉपिक से, चाहे टेंस हो, चाहे सीक्वेंस ऑफ टेंस हो, चाहे कंडीशनल सेंटेंसेस हो, चाहे वॉइस हो, चाहे नरेशन हो, चाहे टैग क्वेश्चन हो, चाहे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट हो, चाहे मॉडल्स हो, डिटरमाइनर्स और आर्टिकल्स टॉपिक भी है, जिसे मॉडर्न इंग्लिश में नवा नाइन्थ नंबर पार्ट्स ऑफ स्पीच में गिना जाता है।
ये 17 टॉपिक तो दोस्तों हमें कुल मिला के ग्रामर में कवर करने पड़े, और इन 17 को पढ़ने के बाद में आपको जो करना पड़ेगा वो करना पड़ेगा दोस्तों, मैं एक बार मिटा रहा हूं इनको। इन 17 की प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं इन 17 से, तो क्वेश्चन पूछे जाते हैं इनसे, आपको जरूरत पड़ेगी कॉमन एरर, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, कॉमन एरर सेंटेंस इंप्रूवमेंट और आपको PQRS, इन तीनों में आपको इन 17 टॉपिक की जरूरत पड़ेगी। यदि आपकी 17 टॉपिक कवर नहीं है तो ना तो आप कॉमन एरर कर सकते, ना सेंटेंस इंप्रूवमेंट कर सकते, ना PQRS कर सकते। ये तीनों टॉपिक है वो डिपेंड है उन 17 टॉपिक्स पे, उनसे रिलेटेड जो भी ग्रामर से रिलेटेड टॉपिक है वो उनके ऊपर क्वेश्चन इनमें पूछे जाते हैं। इन 20 के बाद में बात आती है दोस्तों वोकैबुलरी पार्ट की। हमारा जो वोकैबुलरी पार्ट है उसमें क्या क्या आता है, वोकैबुलरी पार्ट में आपको जानना होगा एक नंबर सिनोनिम्स, जिसे हिंदी में पर्यायवाची कहते हैं, दो नंबर एंटोनिम्स, जिसे हिंदी में विलोम शब्द कहते हैं, तीन नंबर वन वर्ड, जिसे हिंदी में एकल शब्द कहते हैं, चार नंबर होमोनिम्स, जिसे हिंदी में युग्म शब्द कहते हैं, पांच नंबर आपको पढ़ना पड़ेगा इडियम फ्रेज, idiom phrases जो मुहावरे और लोकोक्तियों से रिलेटेड है, और छह नंबर आपको इसे करेक्ट वर्ड भी कहते हैं, मिसअंडरस्टैंड वर्ड या फिर कंफ्यूज्ड वर्ड भी कहते हैं इनको, वो आपको पढ़ने। तो कुल मिला के दोस्तों 20 टॉपिक ये और 6 टॉपिक ये, आपने जब ये 26 टॉपिक कवर कर ले तब आप एसएससी और बैंक का आराम से एग्जाम फाइट कर सकते हैं, उसकी इंग्लिश को आप आराम से समझ सकते हैं और उसकी इंग्लिश को आप आराम से कर सकते हैं। सिनोनिम्स एंटोनिम्स वन वर्ड, होमोनिम्स इडियम फ्रेजेस और कंफ्यूज, सिनोनिम्स और एंटोनिम्स हैं वो अपने एमवी पब्लिकेशन से, वन वर्ड एके सिंह, होमोनिम्स आपको एके सिंह, इडियम फ्रेजेस एके सिंह और कंफ्यूज्ड वर्ड तो हर किसी बुक्स में मिल ही जाते हैं। तो इस प्रकार से हमने आज बात की है एसएससी और बैंक में इंग्लिश में क्या क्या आता है, एसएससी और बैंक में इंग्लिश में क्या पूछा जाता है। तो दोस्तों मैं आपसे आशा और उम्मीद करता हूं कि आप मेरे द्वारा दी गई जानकारी से पूर्णतः संतुष्ट हुए होंगे, और अगला वीडियो वो मैं शुरू करूंगा, वो कर रहा हूं अभी, मेरा जो इस टाइम जो वीडियो बनाने का जो है चल रहा है वो चल रहा है सिर्फ और सिर्फ अभी एलडीसी के टॉपिक्स पर। एलडीसी में जितने भी ग्रामर के टॉपिक लग रहे हैं उस पर मैं वीडियो बनाऊंगा, और एलडीसी के पेपर से पहले पहले मैं उन वीडियो सभी को यूट्यूब पे डालूंगा, और एलडीसी का पेपर ख़त्म होने के बाद मैं ये एसएससी और बैंक के इनके, आपको एक बताता हूँ मैं एक टॉपिक बीच में भूल गया हूँ,
वर्ब से रिलेटेड था जो टॉपिक अपना, बहुत ही बड़ा टॉपिक है लेकिन जिसका नाम मेरे दिमाग से मिस हो गया। वर्ब से रिलेटेड है नॉन फाइनाइट, नॉन फाइनाइट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एसएससी एग्जाम्स। दोस्तों ये नॉन फाइनाइट वर्ब्स हैं, वर्ब की तीसरी फॉर्म, चौथी फॉर्म और पांचवी फॉर्म होती है, और फर्स्ट फॉर्म वर्ब की होती है वो नॉन फाइनाइट और फाइनाइट दोनों। तो ये नॉन फाइनाइट टॉपिक्स के बारे में अभी देखा जा रहा है कि पिछले वर्ष जो कॉमन एरर और सेंटेंस इंप्रूवमेंट में है उसमें बहुत सारे क्वेश्चन इस नॉन फाइनाइट टॉपिक से पूछे जा रहे हैं। तो नॉन फाइनाइट टॉपिक जो मैंने आपको वहां 17 टॉपिक लिखाए थे उसमें आप 18 नंबर इसके डालना और 19 और 20 और 21 नंबर ये डालना। तो नॉन फाइनाइट टॉपिक जिसका मैं एक्सप्लेन करूंगा वो मैं 12 अगस्त एलटीसी का पेपर होने के बाद सबसे पहले मैं एसएससी में वीडियो डालूंगा, वो मैं इस नॉन फाइनाइट वर्ब का डालूंगा। अपना चैनल आपको याद रहे दोस्तों, देवल कंपटीशन क्लासेस, या फिर आप लिखें DCC खाजूवाला। YouTube पे सर्च करते ही अपना चैनल आएगा, वहां पे आपके वीडियो आपको मिलेगी। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो।